आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे किचन के टिप्स जो कि उम्मीद करती हूँ आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम होम मेकर की प्रॉब्लम ये होती है, अगर हमारे पास लकड़ी का चकला है, चाहे वो पत्थर का हो, अभी फ़िलहाल मेरे पास लकड़ी का है तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, जब भी हम रोटी बेलते हैं तो इस तरीके से वो स्लिप हो जाता है। तो ये लकड़ी के चकले में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। और दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपके पास पत्थर का चकला है तब क्या प्रॉब्लम आती है? तब ये प्रॉब्लम आती है कि आप साइड से जो आटा गिरता है इस तरीके से, इसको साफ़ करने की परेशानी होती है। तो अक्सर हम जब रोटी बनाते हैं तो इतना आटा हमारा आजू बाजू फैलता ही फैलता है, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो। दूसरा DIY आपके साथ ये शेयर करूँगी कि ये जो हम रोटी जब बनाते हैं तो अक्सर हॉट पॉट में या रोटी का जो भी बर्तन है उसमें इस तरीके से पानी छोड़ देता है भाप से, और भाप के वजह से रोटियां हमारी गीली हो जाती हैं। तो आज का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाय गाइस, मैं मुनमुन स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए पहला DIY स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और 1 मीटर से आज मैं आपके साथ 2 DIY शेयर करूँगी। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने कपड़े को किया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर मैंने अपना जो है वो चकला रख लिया है। आपका साइज़ का मतलब जो भी चकले का साइज़ है आप इसी तरीके से रखिए और इसका मेजरमेंट लीजिए। तो मैंने चकला रखने के बाद उसके साइड से 7-7 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये देखिए, चकला यहाँ रखा मैंने और रखने के बाद 7-7 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। लेने के बाद टोटल मेरी लंबाई आ रही है चकले की 25 इंच मार्जिन के साथ। तो यहाँ मैंने अब 25 ये मेरा आया है। अब मैं इतने कपड़े को कट कर लूँगी। इसके बाद इसे अब मैं कर रही हूँ फोल्ड। तो ये सिंगल था, फिर उसके बाद डबल किया, फिर एक और डबल किया, तो ये 4 परत हो जाएगी। 4 परत होने के बाद जिस साइड से लंबाई में छोटा है उस साइड से हम राउंड करते हुए इस पे निशान लगाते हुए चले जाएंगे। निशान जहाँ पे मैंने लगाया उतना हिस्से को मैंने कट कर दिया। कट करके हम इस कपड़े को अलग कर देंगे और ये हमारे पास 2 सर्कल निकल के आएंगे। तो ये देखिए, ये 2 सर्कल निकल के आया। अब हम इसको कर देते हैं साइड में। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक वेस्ट पॉलीथीन जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आपके पास आटे का बैग है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये पॉलीथीन थी तो मैंने इसको भी उस जैसे वो कपड़ा था उसी तरीके से मैंने भी इसको फोल्ड किया, एक फोल्ड फिर डबल फोल्ड, और इस तरीके से करके जो कपड़े का टुकड़ा है उसको इसके ऊपर रख के इसको भी मैं उसी शेप में कट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पॉलीथीन को भी उसी शेप में कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे, उस पॉलीथीन के ऊपर रखेंगे और इसको पूरा गोल करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सिल लिया है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला जो सर्कल है उसको हम कपड़े को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, जो हमने पॉलीथीन के साथ सिला था कपड़ा उसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और इतना सा डिस्टेंस छोड़ के पूरा राउंड करके गोल करके हम पूरा सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पूरा सिल लिया है। सिलने के बाद राउंड करके थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे इसको कट लगाना है। कट इसलिए लगाना है, जब भी हम इसको सीधा करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एकदम अच्छे से ये निकल जाए और एक फिनिशिंग आए। तो अब मैं इसको कर लूँगी सीधा। तो ये देखिए, सीधा होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसका जो हिस्सा खुला हुआ था जहाँ से हमने इसको सीधा किया उतने हिस्से को हम दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। सिलने के बाद इसके ऊपर से हम सिलाई कर देंगे, मतलब पहले राउंड सिल लेंगे। राउंड सिलने के बाद 3-3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लंबाई में और चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने राउंड करके भी सिल लिया और चौड़ाई में भी सिल लिया, लंबाई में भी सिल लिया। तो ये पूरा बन के तैयार हो गया। अब ये किस काम में आएगा, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो मैं किचन में इसको रखूँगी अपने चकले के नीचे।
तो पहली बात ये होगी कि चकला, तो जो मेरा लकड़ी का चकला है वो स्लिप नहीं होगा, एकदम स्टेबल रहेगा। दूसरी बात, जब भी मैं रोटी बेलूंगी या पराठे बनाऊंगी, जो आटे का कचरा गिरता है वो बिल्कुल नहीं गिरेगा। स्लैब जो होता है, किचन का काउंटर जो होता है, वो एकदम क्लीन रहेगा। ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बस चकला उठाइए, कपड़े को उठाइए और झाड़ दीजिए सिंक में। तो ये था पहला DIY, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। दूसरा DIY ये है, मैंने यहाँ पर अपना रोटी का डब्बा लिया हुआ है और उसका मैंने ले लिया ढक्कन। ढक्कन लेने के बाद कपड़े के ऊपर मैं उसको रखूँगी और एक निशान लगा दूँगी, और साइड साइड से कम मैंने 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको मैं कट कर लूँगी। तो ये मैं जो बना रही हूँ, ये एक रोटी के लिए हम कपड़ा बना रहे हैं, तो ये बहुत आसान है। बहुत से लोगों को ये पता भी होगा, पर मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ बनाना शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये दो सर्कल निकाल लिए हैं और इसके ऊपर मैं एक फॉर्म रखूँगी। फॉर्म रखने के बाद, जैसे मैंने वो पहला वाला पॉलीथीन के साथ सिला था, इसको भी वैसे ही सिलना है। बस फ़र्क इतना है, इसमें मैं साइड से पाइप इन कर दूँगी। तो बहुत इजी DIY आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख लीजिए इस वीडियो को। मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, वीडियो को जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको सिलने का तरीका पता नहीं चलेगा मैं किस तरीके से सिल रही हूँ। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका इजी लगता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ और मैं क्या क्या चीज़ DIY क्या क्या शेयर करूँ। तो ये देखिए, पूरा मैंने सिल लिया है और मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर की क्रॉस में पट्टी कट किया है, और कट करने के बाद इसको डबल करके इसके ऊपर पाइपिंग दे दूँगी और बनकर तैयार है रोटी के लिए हमारा एक बहुत अच्छा सा कपड़ा, हैंडमेड, जो आप खुद घर पे बना सकती हैं। बाज़ार के ख़रीदने से ज़्यादा बेटर है कि आप घर में बनाइए, बहुत सस्ता पड़ता है और टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगता, 5 मिनट में बन के ये तैयार हो जाता है। तो गाइस, बनके तैयार है हमारा ये रोटी का कपड़ा रखने के लिए हॉट पॉट पे। तो अब मैं इसको, एक जो कपड़ा है उसको एक नीचे रखूँगी और रोटियों को रखूँगी इसके ऊपर, ताकि रोटी गीली नहीं होंगी, गीली हुई तो सब ये सोक कर लेता है। तो ये देखिए, हमारी रोटी जो है मैं इसके ऊपर रख दूँगी, गीली नहीं होंगी, और एक और मैंने बनाया और उसको इसके ऊपर रख देंगे। तो दो हमें कवर चाहिए रोटी के लिए, ढकने के लिए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो बताइएगा ज़रूर गाइज, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, इसको रखना कितना आसान है। आपने देखा चकले का जो कवर था उसको भी कितना छोटा हो गया फोल्ड करके, और रोटी का भी कवर कितने अच्छे तरीके से फोल्ड हो गया। और इसको मैं एक बास्केट में रखूँगी, टोकरी में। आप कोई भी चीज़ कैरी करिए, आप एक जगह पे हर ये जो रोटी बनाने का सामान होता है एक जगह पे रखिए, ताकि आपको ढूंढने की भी ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ टाइम पे मिल जाए। और ये मैंने अपने काउंटर के कॉर्नर में रखा हुआ है, चकला, बेलन, तवा, रोटी का कपड़ा, ये सब चीज़ें यहाँ कोने में रहती है। इस तरीके से आप अपने किचन को, काउंटर टॉप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।